ये सामने जो है ना, ये भाई साहब उसकी पेंटिंग बना रहे हैं यहाँ पे, और वो भी तारीख 28 जनवरी संडे, टाइम हुआ है यहाँ पे 12 बजे और इंडिया में बज रहे हैं 10:30। तो अब मैं जा रहा हूँ आओ नांग बीच। चलो आपको पहले मेरी मोटर बाइक दिखाता हूँ, मैं मोटर बाइक कौन सी है। ये है मोटर बाइक, ये आई है मुझे 200 बात की 24 घंटे के लिए। लफड़ा ना बाइक लेने में नहीं है, लफड़ा बाइक को पार्क करने में। एक तो थाई समझ में नहीं आती है क्या बोलते हैं, और मेरी इंग्लिश इतनी प्रॉपर नहीं है कि मैं समझा पाऊँ कि मुझे क्या चाहिए। खैर बड़ी दूर पार्क की है बाइक, लेकिन फिर भी डर है कि साला पाँव ही नहीं फट जाए पुलिस वाले की। ना कोई पार्किंग का साइन है, वहाँ फुकेट में बढ़िया था पार्किंग का, सीधा साइन लगा हुआ था ये पार्किंग है यहाँ पे पार्किंग कर दो। खैर जो भी है, मैं आ गया वो आओ नांग बीच पे, और ये है आओ नांग बीच। पूरा वहां से लेके वहां तक ये पूरा आओ नांग बीच है। कुछ समझ आ नहीं रहा है कि कहाँ जाना है और क्या करना है। यहाँ पे आओ नांग के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो देखता हो तो ये बोर्ड है, इसमें पोड़ा आइलैंड एंड द सी है, और एक ये क्लॉन्ग थॉम वाटरफॉल है। पोड़ा आइलैंड तो 8 किलोमीटर अंदर समुंदर में एक टापू है, उस टाइप का आइलैंड है, और क्लॉन्ग थॉम यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ जाने का, सरा मोड़ के ये भी क्या पता कहाँ है, फिफी जाके आगे कोलांता एक आइलैंड है, आओ नांग बीच यही है। अब पोड़ा लोग यहाँ पे ज़्यादातर जाते हैं, पोड़ा चिकन आइलैंड मतलब फोर आइलैंड का एक ट्रिप होता है, वहाँ लिखा हुआ है पता किया, फोर आइलैंड का एक ट्रिप होता है, उसके अंदर एक तो पोड़ा आइलैंड ले जाएंगे, मोर आइलैंड, टब आइलैंड और चिकन आइलैंड। इन चार आइलैंड पे जाने का है, तो ये यहाँ पे बस मतलब आइलैंड ही है कुल मिला के, कराबी में आइलैंड है और बीच है, वही फुकेट की तरह आइलैंड पे जाओ, जेम्स बॉन्ड गए थे आइलैंड पे जाओ और बीच पे जाओ। तो मैं नहीं जाऊँगा किसी आइलैंड और बीच पे, सारा एक जैसा ही है। फीस आपको बता देता हूँ मैं, ये इनका फीस चार्ट है, ये फिक्स है, ये कोई बार्गेनिंग वगैरह का कुछ नहीं है, और ये हो गया ये। अब पोड़ा जाना है रिटर्न 300 बात लगेंगे, लेकिन पोड़ा के अंदर आपको एक नेशनल पार्क की फ़ी देनी पड़ेगी 400 बात, मतलब पोड़ा आने जाने का आपको 700 बात हो गया। इसी तरह ट्यूब आइलैंड जाना है 300 बात लगेंगे, लेकिन ट्यूब आइलैंड पे भी नेशनल पार्क की फ़ीस है 400। इस तरीके से सारा चार्ट बना हुआ है, और ये पोड़ा आइलैंड, ट्यूब आइलैंड, चिकन आइलैंड, फरानांग के एक दिन का टूर है 2200, और अलग से वो फीस जो है वो है ही है। अभी अपन है मेरे ख्याल से यहाँ पे आओ नांग बीच, यहाँ पे अभी अपन यहाँ पे है, तो ये सारा आने जाने का इनका रूट है। चलो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ।
मैं जा रहा हूँ वो जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वहाँ पे, मैप चालू करता हूँ, गाड़ी है मेरे पास में, बाइक है, मैप चालू करता हूँ और टपक जाता हूँ वहाँ जाके। क्या नाम था दिस वन, ये रहा क्लोंग थॉम वाटरफॉल, ये बैनबांग क्राम में है, मुआंग रोड पे 45 किलोमीटर है यहाँ से। एक चीज़ और बता दिए, अभी सिर्फ पोड़ा चले जाओ और पोड़ा के बाद जो आसपास के जो तीन आइलैंड है ना, चिकन आइलैंड, ट्यूब आइलैंड और एक और था, वहाँ पर आप बाई वॉकिंग जा सकते हो यार, बताता हूँ देखो, सब आइलैंड, मोर आइलैंड और चिकन आइलैंड, यहाँ पर आप बाई वॉक जा सकते हो तीनों में, मतलब पोड़ा आइलैंड अलग से जाना पड़ेगा और इन तीन में से चिकन, मोर और टब, इन तीनों में से एक पे चले जाओ, फिर आप वॉकिंग से आप इधर उधर जा सकते हैं, ये बढ़िया। और वो जो वाटरफॉल है हॉट स्ट्रीम वाटरफॉल, वो यहाँ से 70 किलोमीटर है, तो मैं नहीं जा पाऊँगा, नहीं जाऊँगा। कराबी में यही है बस, बीच है, हॉट स्प्रिंग वाटर नहीं जा रहा यार मैं, 1:00 या 6:00 वो बंद हो जाएगा, मुझे पहुँचते वहाँ 2:00 बज जाएगी, फिर 2-1 घंटे रहूँगा वहाँ पे, इसलिए नहीं जाऊँगा मैं। रेले बीच वगैरह है थोड़ा, यहीं पे घूमूँगा और मैं मेरा पता करूँगा कल के लिए। ये पीछे ना ये नौफरतरा पियर है और ये पूरा नौफरतरा बीच है, ज़बरदस्त बीच लगा यार मुझे ये, क्या नज़ारा है यहाँ का, यहाँ पे लगता है कि कहीं फॉरेन में है या फिर कहीं बीच वीच पे आए हैं पार्टी शार्टी मनाने के लिए। ये देखो ये भी एक आइलैंड जैसा है छोटा सा, लेकिन उधर उसके ऊपर जा नहीं पाएंगे अपन, है ज़बरदस्त। ये एक देखो वहाँ पे अपन जा सकते हैं, उस पर जा सकते हैं, उसके आगे जा सकते हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं, पूरा का पूरा घुमा हुआ वहाँ तक। ओ यस यस, अब याद, वहाँ से तो मैं आया हूँ यार, बोला जो रास्ता ना उसके उधर आओ ना, फिर नौफरतरा, ये पूरा का पूरा नौफरतरा बीच, ज़बरदस्त जगह है, वाकई अच्छी जगह है घूमने लायक। बाइक लेके मैं तो ऐसे ही आगे आगे आ गया था और यहाँ आया तो देखा यार क्या फोटो शूट हो यहाँ पर। संडे है और यहाँ रात की बज रही है 8, इंडिया में साढ़े छः। शाम को रूम चला गया था लगभग 4:30 में, वापस वहाँ से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्या पता क्यों थकान हो गई आज, गला भी अभी तक सही नहीं हुआ, इतने दिन हो गए, थोड़ा हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, बुखार जैसा लग रहा था, जिसमें आज बिल्कुल घूमा नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं गया, ओनली आज बाइक पे घुमाओ, फिर भी क्या पता क्या हो गया था। खैर मन बिल्कुल था नहीं बाहर निकलने का, लेकिन भूख लग रही थी, इस वजह से वापस वहीं आए हो मस्जिद के बाहर, मुस्लिम स्ट्रीट, कुछ खाने के लिए। और आज एक खाना है मुझे, ये क्या बोलते हैं, चिकन शोरमा और देन देखता हूँ और भी क्या मिलता है और क्या खाते। मैं सोच रहा बर्गर बना हुआ है यार, बर्गर देखता हूँ बर्गर कितने का है, पूछता हूँ बर्गर। कल ये शोरमा खाया था, अभी भी शोरमा खाया है और अब एक बर्गर लिया है, चिकन बर्गर,
ये जो है चिकन की टिक्की है, ये पता नहीं कैसे बनती है ये। फ्रॉम मलेशिया, बर्गर फ्रॉम मलेशिया। अच्छा, बर्गर फ्रॉम मलेशिया। रमरी बर्गर, रमरी बर्गर फ्रॉम मलेशिया। रमरी, yeah, Ramri, you know? Ramri burger. Yes. I don't know. You don't know, huh? I don't know. ये चिकन है, दोनों तरफ से इसको पकाएंगे, क्या पता कैसे बनाएंगे। ये है सेफ, ए से हाय। ये है सेफ और ये शायद ये भी इनके साथ है। Ramri है राम। ओके, ये सारा ना आइटम मलेशिया से आता है भाई, ये रोटी, ये बर्गर के टिक्की। अरे वो होम नहीं है ना। बस या बस आ नीरू मुस्लिम ना या आई मुस्लिम या अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं आई मुस्लिम I upload in, I upload on YouTube. No take photo, take video. 100 baht. No, you give me 100 baht because I video. Because I'll famous you. I'll famous you on YouTube. Yeah, YouTuber. From India. Yeah. Yeah. My channel, this one. Channel Evolution. Okay. You remember? Spicy, okay? Oh, everything. More spicy. मेरा बर्गर आ गया, 40 बात का बर्गर है, बड़ा स्वादिष्ट है, जबरदस्त बर्गर है, कबाब भी एक नंबर, बर्गर भी बढ़िया। बर्गर इन्होंने बनाया, ये उनकी वाइफ है जो ये फुकेट से है और वो कराबी से है। मैंने सिर्फ पूछा था इनको, ठीक है। जबरदस्त है यार बर्गर, खाना पीना तो सस्ता मिल गया भाई कराबी में। बड़ी जबरदस्त बारिश हुई थी यहाँ पे, देन इस वजह से थोड़ी देर एक जगह पे बैठना पड़ा। 10:30 हो गई है। यहाँ पे चिकन खा लिया, चिकन शोरमा और चिकन बर्गर खा लिया, इनसे बातें बातें भी कर ली, और अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। गाड़ी मेरी बाइक अंदर पड़ी है, उसको ले रहा हूँ और अब जा रहा हूँ हॉस्टल। और अभी तक कल का कुछ पता नहीं चला यार, कल क्या करना। कल इमरजेंट पूल और हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल यहाँ जाने का प्रोग्राम था, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया मैंने। और अब सूरत थानी सोच रहा हूँ, सूरत थानी निकलूँ मैं यहाँ से, देन सूरत थानी यार बस पकड़ के जाऊँ या लिफ्ट लेके जाऊँ, हिच हाइकिंग करते हुए जाऊँ, कुछ पता नहीं चलता। पहले जाता हूँ हॉस्टल, देन उससे बात करता हूँ, और देन ये सोच रहा कल मैं सूरत थानी निकल जाता हूँ। कल सूरत थानी निकल जाऊँगा, इमरलैंड पूल, हाँ ये इमरलैंड टाइगर केव और हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल का लगभग 600 बाद इनका ये है पैकेज कॉस्ट है। अगर मैं मेरी बाइक लेके जाता हूँ तो भी लगभग इतना ही मुझे लग रहा है। हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल की एंट्री फीस है 90 baht और इमरलैंड पूल की फीस है 200 baht, मतलब 290 baht फीस के और 300 आने जाने के। तो अभी हॉस्टल चलता हूँ, फिर उनसे बात करता हूँ, देखता हूँ कहाँ जाना।